हाय गाइस, मैं हूँ तुहिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल तुहिन। और अभी जो मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ, ये स्टीयरिंग व्हील का जो स्विच होता है, ये स्विच मैं रिप्लेस करूँगा इस गाड़ी का। और आप देखिए, वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या किया, इसका जो हॉर्न पैड है, हॉर्न पैड ओपन कर लिया। और अभी मैं जो कर रहा हूँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील का पीछे वाला पोर्शन का कवर है, ये कवर मैं खोल रहा हूँ। तो इसमें स्क्रू लगा है, जो स्क्रू ओपन हो रहा है अभी। तो देखिए, मेरा ओपन हो गया स्क्रू। अभी इसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा उठाने के बाद, आप देखिए इसके पीछे वाला पोर्शन पे, यहाँ पे जो स्विच का वायर होता है, वो ही वायरिंग अटका है। ये कुछ क्लिप से लगाता है, तो उसको मैं रिलीज़ कर दिया। और अभी काबलर खोल रहा हूँ मैं। वो काबलर खोलने के बाद यहाँ पे और दो स्क्रू है, वो खोलूंगा। तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरा वायरिंग जो है, वायरिंग हार्डनेस साइड हो चुका है अभी। और मैं इस टाइम पे यहाँ पे देखिए, स्विच का जो माउंटिंग होता है, वही खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये माउंटिंग यहाँ पे दो स्क्रू से लगा हुआ रहता है, तो दो स्क्रू में खोल दिया। और खोलने के बाद इसको लॉक से रिलीज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइट रहता है ये, तो ये स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा उठाने से ही आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए, अभी थोड़ा जोर लगा के खींचने से ही ये उठ जाएगा। देखिए, उठ चुका है अभी। अब मैं इसका एक एक करके स्विच को रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्विच के जो स्क्रू लगा है, वही स्क्रू खोल रहा हूँ अभी। तो स्क्रू खोलने के बाद मैं एक एक करके रिप्लेस करूँगा स्विच। जो नया स्विच है, नया स्विच यहाँ पे लग जाएगा। तो वीडियो पे आप बने रहिए देखने के लिए। अभी देखिए, मेरा स्विच का जो स्क्रू है, सारे स्क्रू खोल चुका है। तो आप देखिए, इसमें मैं नया स्विच लगा रहा हूँ। तो ये मोड का स्विच है, मोड जो है, मोड का स्विच यहाँ पे लग रहा है। और इसका स्क्रू अभी मैं इसमें फिट कर रहा हूँ। तो स्क्रू लगाने से ये पूरी तरह से माउंटिंग में फिक्स हो जाएगा। तो मेरा ये स्क्रू लगाने से ही हो गया। अब मैं कॉलिंग का जो स्विच है, ये रिप्लेस कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए, मेरा कॉलिंग का स्क्रू जो स्विच है, स्विच लग गया और स्क्रू भी इसमें लग रहा है। तो अब ये हो गया। अब देखिए, ट्रिप का मैं स्विच रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये चारों स्विच रिप्लेस हो जाने के बाद, फिर से स्टीयरिंग व्हील पे मैं फिट करूंगा इसको। और फिर मेरा जो स्विच है, स्विच लगाना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक स्विच बाकी है इसका फिट करने का। तो ये स्विच भी इसमें फिट हो रहा है।
देखिए ये भी फिट हो गया और स्क्रू अभी लग रहा है इसमें, तो ये भी हो गया मेरा। अब ये जो स्विच का माउंटेड पोर्शन है, ये पोर्शन स्टीयरिंग का ऊपरी हिस्से पे लग जाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो इसमें फिट हो गया और पीछे से दो स्क्रू इसमें अभी फिट करना है, तो दो स्क्रू मेरा टाइट हो गया। अब इसमें फिर से वायरिंग डाल रहा हूँ, तो वायरिंग मेरा लग गया यहाँ पे सारे स्विच पे। देखिए ये चारों स्विच का जो कपलर है, कपलर फिट कर रहा हूँ मैं। ये कपलर फिट हो जाने के बाद इसका जो बैक कवर है, बैक कवर पे जो लॉक है, ये लॉक ध्यान से आपको फिर से फिट करना है। तो मैं अभी इसका बैक कवर को फिट करूँगा इसमें। तो अभी इसका देखिए मैं बैक कवर फिट कर रहा हूँ। तो और इसका जो लॉक है, लॉक देखिए मैं दिखा रहा था, उसी लॉक पे आपको ये हार्डनेस फिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हार्डनेस इसमें लग गया। अब इसका जो स्क्रू है, स्क्रू को फिर से फिट करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए सेम इसका जो हार्डनेस है, हार्डनेस पूरी तरह से फिट हो चुका है। और अभी मैं इसका जो स्क्रू है, स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ। तो मेरा ये भी हो गया। अब स्टीयरिंग व्हील को सीधा रख के खोला था मैं, और ये सीधा रख के ही मैं इसको फिर से टाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 19 नंबर का नाट है, नाट को लगा रहा हूँ स्टीयरिंग कलम के साथ। तो ये 19 का भी है, होता है 21 का भी होता है। तो ये वैरी करता है कौन सा गाड़ी है और किस में किस तरह से ये रिप्लेस होगा, या फिर क्या बोल्ट इसमें लगाता है लगा रहा है। अभी इसका देखिए मेरा जो हॉर्न पैड है, हॉर्न पैड लग रहा है, और इसके साथ मेरा ये जो स्टीयरिंग व्हील का स्विच है, स्विच कंप्लीट हो गया फिट करना। और अभी ऑपरेटिंग देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। तो अभी देखिए ऑपरेटिंग इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।